करेंगे कानपुर की बड़ी खबर से। धर्मांतरण व अफसर की पिटाई का मामला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष, परिवार से मिलकर जाना घटनाक्रम। सपा नेताओं ने डीसीपी साउथ से की मुलाकात। धर्मांतरण व अफसर की पिटाई का मामला है, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग। मामले में धाराएं बढ़ाने की भी मांग की गई है। देश की न्याय व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा जताया। कानपुर से खबर, धर्मांतरण व अफसर की पिटाई का मामला, जिसमें अब सपा जिलाध्यक्ष डीसीपी साउथ से मिले हैं। कानपुर की खबर है, सपा नेताओं ने डीसीपी साउथ से मुलाकात की है। मामले में धाराएं बढ़ाने की मांग की गई है और दोषी पुलिसकर्मियों के सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। कानपुर की खबर आपको बता रहे हैं। पर्रा वाला प्रकरण है, उस पर डीसीपी साउथ से बात हुई थी, उन्होंने आज वक्त दिया था 12 बजे का, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ हम लोग उनसे मिलने आए थे, उनसे बात करी उसी मुद्दे पे जो आपने देखा, दो दिन से वीडियो वायरल हो रहा। बहुत कहे जाए तो बड़ी घटना है, क्योंकि ये आम घटना हो गई है जब से ये सरकार आई है, जब से, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप है इसमें, क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियो में एक भाजपा विधायक के पुत्र की फ़ोटो आ रही है, लेकिन अभी तक की उसको नेम्ड नहीं किया गया है। हमने डीसीपी साउथ से बात भी की, हमने मैडम से कहा, मैडम जब उसका वीडियो है, फोटो है, क्योंकि माहौल जब वहाँ गर्म हुआ है, जब वो विधायक जी के पुत्र वहाँ पहुँचे हैं, मामला पहले वहाँ इतना गर्म नहीं था, इस तरीके की घटना नहीं करी गई थी, लेकिन जब विधायक जी का पुत्र वहाँ पहुँचा है, तब लोगों में जोश आया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नारे लगवाए, जबरन बेचारा गरीब रिक्शे वाले आदमी से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए, ये हुआ। क्योंकि आपको बता दें, जब से ये सरकार बनी है, ऐसे मामले होते हैं जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, तभी लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अगर इस पर अभी कोई अच्छी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि देखिए NSA वगैरह अगर चाहे तो सरकार लगा सकती है, क्योंकि अगर कोई इस मसले में अगर कोई उल्टा गैर मुस्लिम करता है तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, क्योंकि हम मुसलमान के साथ हुई है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ये देखिए ऐसा है कि पिछले दो दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि एक जो सामुदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। बेवजह चलते हुए अनलगन किसी को मारना, और मारने के बाद उसकी बच्ची रो रही है, और जिस प्रकार का भावुक स्टेटमेंट्स आए हैं, वो बच्ची वो रो रही है, तो उससे एक सिंपैथी होने के नाते और एक सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम लोग उससे मिले, और मिलने के बाद हम यहाँ DCP साहब से आए, उनसे बातचीत हुई, और हम इस कार्रवाई से हमें समझ में आया है कि वो ठीक राह पे है, और लगातार जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम उससे संतुष्ट भी हैं। मैं हमारा इतना कहना है, जो बात है वो ये है कि पीड़ित परिवार बहुत दुख में है, और इस दुख का कारण सिर्फ ये है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। न्याय दिलाने की कोशिश करी गई है, हम उस न्याय के साथ में हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि पुलिस इसमें और भी बढ़ा सकती थी, और भी धाराएँ बढ़ा सकती थी, क्योंकि उसको मारने की चेष्टा से घेरा गया था। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ पर उपस्थित थे पुलिस वाले, वो वहाँ पे उपस्थित थे, उनकी प्रेजेंस में हो रहा था, तो उन पे कार्रवाई हो, बस यही कहना था। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में अवार्ड्स घोषित किए गए हैं। यूपी के 4 वीरों ने जीता प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। CP नोएडा आलोक सिंह को मिलेगा PPM अवार्ड। SP CBCID गीता सिंह, SI वाजिद खान को भी अवार्ड मिलेगा।
लखनऊ से बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अवार्ड्स की घोषणा की गई है। यूपी के चार वीरों ने जीता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। सीपी नोएडा आलोक सिंह को पीपीएम अवार्ड मिलेगा। एसपी सीबीसीआईडी गीता सिंह, एसआई वाजिद खान को ये अवार्ड मिलेगा। यूपी के चार वीरों ने जीता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। सीपी नोएडा आलोक सिंह को मिलेगा पीपीएम अवार्ड। इसके अलावा एसपी सीबीसीआईडी गीता सिंह और एसआई वाजिद खान को ये अवार्ड मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन अवार्ड्स की घोषणा की गई है। चार वीरों ने जीता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। उत्तर प्रदेश के चार वीरों ने ये अवार्ड जीता है। मुंशी पुलिस